राम राम दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि आज हरियाणा पुलिस एसआई का पेपर था, तो देख लेते हैं पेपर कैसा आया था और उसका सोल्यूशन भी पूरा आपको करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सोल्यूशन। देखिए आज के पेपर में मेन बात क्या थी, हिंदी और इंग्लिश भी आपसे पूछा गया था, लेकिन बिल्कुल ईजी लेवल का आया था, वो भी आपको बताएंगे। और जीके काफी भर भर के आई थी भाई, तो जीके क्वेश्चन देखोगे हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा थे। तो ये तो जैसी है, वो कहते हैं ना भाई हरियाणा प्रधान कुछ भी आ सकता था, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। लेकिन मैथ्स का लेवल आज रीजनिंग ज्यादा नहीं पूछी गई है, मैथ्स का लेवल काफी मतलब इजी लेवल बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि इजी पेपर में आपको सारा ही स्कोर करना पड़ता। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भोपाल सिंह खत्री, ये खत्री से क्या अभिप्राय है, देख लो भी क्वेश्चन भोपाल सिंह खत्री के ऊपर भी बना दिया भाई। ठीक है, आप बताइए खत्री का अभिप्राय क्या है, ये गोत्र का नाम है, खादर का नाम है, जाति का नाम है, समुदाय का नाम है, गांव का नाम है, जैसे ओम प्रकाश चौटाला चौटाला गांव का नाम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आया, अभी जो सोल्यूशन कराते हैं आप पेपर देख लो, जिसकी पीडीएफ चित्र नीचे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और हरियाणा जॉब्स डॉट इन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, इनका टेलीग्राम चैनल भी है, सारे प्रीवियस पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पुलिस के पेपर भी आए थे भाई, आईपीसी सीआरपीसी के भी आए थे, इंग्लिश के तो काफी ईजी आए थे, और ये सारे नीतू सिंह की जो बुक है प्लिंट टू पैरामाउंट वहाँ से आए थे, और हिंदी लूसेंट वाली बुक से आई हुई है सारी, मतलब इजी लेवल की है। तो अब आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, अभी एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, 5/6 ज्ञात कर लिया, किसी संख्या का 5/16 मतलब 5/16 से मल्टीप्लाई करनी थी, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लो, संख्या पूछी गई है। अब देखिए जिस बच्चे ने इस 16 480 लगाया, 480 का 5/16 निकालेंगे तो आप आ जाएगा, 480 का 5/16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई, ये आ गया 150 आ जाएगा, 5/6 निकालो इसी का, 5/6 ज्ञात कर लिया ना गलती से, 5/6 निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। क्या इन दोनों में कितने का गैप है, 250 का, और कितने का होना चाहिए, 250 का होना चाहिए था, इस प्रकार ऑप्शन से बहुत इजी कर सकते थे। और ये तो कितनी बारी क्वेश्चन कराया आपको भाई, किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि करने पर, लंबाई में 10% की वृद्धि करी गई है तो कितने का, 1/10, तो दूसरी कम होगी तो नीचे वाला, कम होगा तो नीचे वाला, और 1/11 कितनी बार याद करा, 11 वाले में 9 बार बार आता तो 9 से 1/11 इसका सही आंसर होगा, 11 वाले में क्या होता है 9.09 होता है इसका आंसर, 9.09 तो 9 से 1/11 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिस भी बच्चे का पेपर है बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखिए भाई ये सीरीज का क्वेश्चन तो काफी इजी था, सीरीज वाले क्वेश्चन का आप कमेंट करके बता दो आंसर, सीरीज वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, 24, 60, 120 काफी इजी था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये देखिए भिनवाड़ा भी, भिनवाड़ा का पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, मैं आपको इसकी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, इसका तरीका क्या है, आपके पास सबसे छोटी बतानी है बड़ी बतानी हो, आप क्या करना है 12 इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड कर लिया करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, 14 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड करो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 19 का पढ़ा याद नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस 17 ऊपर वाला सेम रहना है, नीचे दोनों का डिफरेंस, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है भाई, यहाँ पे 25। अब देखो ये तो 12 बन गया, ये तो 25 बन गया, सबसे छोटी निकालनी है, ये 4 point something बनेगा, और ये 3 से भी कम बनेगा, सबसे छोटी कौन सी होगी, 14/19 इसका सही आंसर होने वाला है, सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी 14/19। आपको क्या करना होता है, इनका डिफरेंस से न्यूमरेटर को बदलना नहीं, और डिफरेंस से डिवाइड करके देख लिया करो जो इनका डिफरेंस है। अब देखिए 49 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में क्या जोड़ा जाए जिससे 9 से भाजे, 9 से कोई संख्या 3 से 9 से भाजे कब होती है, जब उसके अंकों का जोड़ 9 से भागो, अंकों का जोड़ किससे भागो 9 से, तो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो 15 आ गया अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ फिर 6 आ गया, 6 तो 9 से भाग नहीं जाता, कितना जोड़ना पड़ेगा, कम से कम जोड़ना है 3, तो सही आंसर क्या होगा 3, जिसका भी पेपर है बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, ध्यान से देखेंगे ना भाई, जीके भर भर की आई है भाई, बहुत ही आसान आई है, लेकिन जीके भर भर के पेपर में पूछी गई है, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके के ऊपर ही पूरा पेपर था भाई, जिसको तैयारी अच्छी थी, जो किंतु परंतु में नहीं पढ़ा उसका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित है, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए प्ले कर जाता है कि भाई एक भी क्वेश्चन इसमें गलत करने की आप गलती नहीं कर सकते, अदरवाइज सिलेक्शन से फिर से वंचित होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, एम आई राइट। तो देखिए आप आगे देखते हैं, सबसे अगला क्वेश्चन आया भाई, कंप्यूटर से बहुत ही क्वेश्चन ही नहीं आया शायद, एक दो क्वेश्चन आया बिल्कुल आसान सा, ठीक है, तो आज कंप्यूटर से इतना क्वेश्चन नहीं थे, तो एचएससी है भाई ये, कहते हैं ना भाई हरियाणा प्रधान, दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ कुछ भी पूछा सकता है, श्याम वाले पेपर में शायद कुछ और लग जाए, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, 24, 37 और 40 कैल्शियम, सबसे बड़ा नंबर उठाया, सबसे बड़ा नंबर से भागने जा रहे, 40 × 80 से भागने जा रहे, 40 × 120 से, इस प्रकार जाओगे ना 360 से सारे भाग हो जाएंगे, 360 इसका सही आंसर होगा, 360 इसका सही आंसर होगा, जिस बच्चे का पेपर है बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस की है भाई, हरियाणा jobs.in ने ये पेपर सबसे पहले प्रोवाइड किया है, तो इनकी वेबसाइट पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, इनका लिंक भी टेलीग्राम चैनल का डाल देंगे, जॉब से जुड़ी हुई पहली जानकारी सबसे पहले देते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, देख लेते हैं, ये तो बहुत इतिहास की आयु 40 वर्ष है और 60 वर्ष, कहते हैं कितने वर्ष के बाद दोनों की आयु अनुपात 3:5 हो जाएगा, कितने वर्ष पहले, तो देख लिया करो इसमें, मान लीजिए इन्होंने आंसर सही लगा रहे 10 10
ये 30-30 हो जाएगा, 10 साल पहले 50 का हो जाएगा, 103:5 हो जाएगा, ऑप्शन से करना था, कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, कहीं 20 में भी आप करने लग जाओ। 30, 40 और 60 के थे तो 10 साल पहले 30 और 50 के 103:5 सेटिस्फाई करके देखना था बिल्कुल। ये मुर्गी और गाय वाला क्वेश्चन का तो पीछा छोड़ ही नहीं रही है भाई, कुछ भी कर लो HSSC का पीछा नहीं छोड़ के दे, क्वेश्चन हर पेपर में पूछ रहा भाई, ठीक है। और ये हमारा पेट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, मैं कोर्स की शुरुआत करता हूँ इसी क्वेश्चन से करता हूँ। देखिए शायद उन्होंने भी हमारा वीडियो देखा है इसलिए बार बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। सिर की संख्या 48 है, पैरों की संख्या, देखिए इसमें चार पैरों वाला जानवर निकालने के ना इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसके, चार पैरों वाला जानवर निकालने का सीधा तरीका होता है, पैरों का आधा कर लो, पैरों का आधा कर 70 में से सीधा सिर घटा दो, मैंने क्या बोला पैरों का आधा कर लो और उसमें से सिर क्या कर दो माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमेशा क्या होगा, चार पैर वाला जानवर आएगा, चार पैर वाला तो कितना आ गया भाई 22, चार पैर वाला कौन सा, गाय 22 है, उसने पूछा है मुर्गी पूछी है तो 48 में से 22 गाय मिल गई तो मुर्गी कितनी बचेंगी, 26, मुर्गी कितनी बचेंगी भाई 26, 24 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, मुर्गियां कितनी बचेंगी भाई 26, 26 दुनी 52 और 22 चौक 88 आप सेटिस्फाई करके भी देख सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, देखिए 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं और जितनी विषम संख्या होती है उनकी औसत उतनी होती है, तो पहले 50 विषम संख्याओं की औसत 50 होती है, टोटल पूछा भाई तो संख्याएं औसत गुणा गुणा करेंगे आंसर कितना 2500, ये तो एवरेज में बिल्कुल आसानी से बताया था, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 100 तक की सभी विषम संख्या, 100 तक 50 विषम होती है और जितनी विषम होती है ना पहले उतनी औसत होती है, तो औसत गुणा में संख्या इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता सम में तो 50 सम होती, लेकिन पहली 50 सम संख्या औसत 51 होती है तो टोटल कितना आ जाता 2550 विल बी योर करेक्ट चॉइस। तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए थे भाई मैथ्स के अंदर, तो बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, तो आप देख सकते हैं जीकेएस का मैटर था, अभी सेम वाले पेपर का इंतजार और करते हैं, उसके आधार पर आपकी जो मेल कॉन्स्टेबल की है उसके आपकी रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नीतू सिंह की बुक से इंग्लिश आई गई है और हिंदी आई है आपकी लुसेंट की बुक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैथ्स के लगातार हम सेशन इसके ऊपर डाल रहे हैं और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो जल्दी डालेंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।